लद्दाख में भारतीय सेना की जोरदार तैयारियों से घबराए चीनी ड्रैगन ने करीब एक साल पहले से ही कारगिल जैसी घुसपैठ की तैयारी शुरू कर दी थी। ताजा गतिरोध के बीच सैटेलाइट से मिली तस्वीरों में इस बात का खुलासा हुआ है कि चीनी सेना ने पिछले साल के बीच में पेंगोंग शो झील से 100 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में अपनी मोर्चाबंदी तेज कर दी थी। इसके तहत सैन्यगत ठिकानों का आधुनिकीकरण शुरू कर दिया गया था। इसके बाद कोरोना महासंकट में भारत को फंसा देख चीन ने भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ शुरू कर दी। हालांकि भारत दोनों ही मोर्चों पर चीन को मुंह तोड़ जवाब देने में सक्षम है, लेकिन अब बारी चीनी अर्थव्यवस्था से मुकाबले की है और भारतीय सामरिक तैयारियों में लद्दाखी दो कुबड़ वाले बैक्टीरियन ऊंट के इस्तेमाल की भी। दरअसल चीन को लद्दाख क्षेत्र में पटकनी देने के लिए सेना अब ऊंटों का सहारा ले रही है। इस ऊंट के सहारे इस इलाके में अर्थव्यवस्था को तो तेजी मिलेगी ही, साथ ही साथ सेना भी गश्त के लिए इसका इस्तेमाल कर सकेगी। इससे चीन को दोनों मोर्चों पर पछाड़ा जा सकता है। कहने के लिए तो ये सिर्फ एक ऊंट है, लेकिन इसके फायदे जानकर आप लोग समझ जाएंगे कि ये कितना फायदेमंद है। कोरोना काल में लॉकडाउन की वजह से तमाम देशों की तरह भारत की अर्थव्यवस्था भी लड़खड़ाई है, लेकिन तमाम आर्थिक सुधार के बावजूद चीन भी आर्थिक मोर्चे पर औंधे मुंह गिरा है। रहा सवाल LAC पर तनातनी से गिरती अर्थव्यवस्था का, तो भारत के लिए बैक्टीरियन कैमल गेम चेंजर साबित हो सकता है। दोस्तों, आज हम आपको इसी दो कुबड़ वाले ऊंट के बारे में बताने वाले हैं कि कैसे ये ऊंट अर्थव्यवस्था को संभालेंगे और इसके साथ कैसे ये सेना के भी काम आएंगे। गेम चेंजर साबित हो सकते हैं बैक्टीरियन कैमल। अब चीन की हर चाल का भारतीय ऊंट मुंह तोड़ जवाब देंगे, ये जानकर आप लोग भी चौंक गए होंगे, लेकिन ये बात बिल्कुल सत्य है। चीनी सैनिकों के लगातार लद्दाख क्षेत्र में सीमा पार घुसपैठ से परेशान भारतीय सेना ने सीमाओं की चौकसी के लिए बिल्कुल नई रणनीति बनाई है, जिसके तहत भारतीय सेना अब दुश्मनों पर नजर बनाए रखने के लिए सीमा पर ऊंटों से गश्त करती नजर आ सकती है। जी हाँ, वो भी ठीक उसी तरह से जैसे राजस्थान में पाकिस्तान से लगी सीमा पर ऊंटों से गश्त किया जाता है। लेकिन लद्दाख में मिलने वाले ये ऊंट राजस्थान में मिलने वाले ऊंटों से अलग है। ये दो कुबड़ वाले बैक्टीरियन ऊंट हैं, जो लद्दाख की नुब्रा घाटी में ही पाए जाते हैं। बैक्टीरियन कैमल पर निर्भर था सिल्क रूट का व्यापार। दरअसल बैक्टीरियन कैमल पर कभी सिल्क रूट का पूरा व्यापार निर्भर करता था। सेना नियंत्रण रेखा पर गश्त के लिए दो कुबड़ वाले ऊंट का इस्तेमाल करेगी। इन ऊंटों को गश्त लगाने के अलावा गोला बारूद और अन्य सामान ले जाने के लिए भी प्रशिक्षित किया जा रहा है, लेकिन अब इसे हेरिटेज एनिमल की श्रेणी में शुमार करने की डिमांड रिसर्च इकोनॉमिस्ट शैली शौर्य ने की है। इसे लेकर शैली ने PMO और अन्य मंत्रालयों को लेटर लिखा है। नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल और सेंट्रल सिल्क बोर्ड के कंसल्टेंट शैली शौर्य की माने तो बैक्टीरियन कैमल भारत में सिल्क रूट व्यापार के अंतिम प्रतीक चिन्हों में से एक है। शैली का मानना है कि सिल्क यानी कपड़ा मंत्रालय को बैक्टीरियन कैमल को भारतीय राष्ट्रीय सिल्क विरासत पशु घोषित करना चाहिए, क्योंकि एक वक्त सिल्क रूट पर यही बैक्टीरियन कैमल चलता था और लद्दाख से होकर आगे POK होते हुए कजाकिस्तान, इजिप्ट और यूरोप तक चला जाता था। हुएनसांग और फायान जैसे खोजी चीनी यात्री उस जमाने में सिल्क रूट से बैक्टीरियन कैमल के ही सहारे भारत पहुंचे थे। पहाड़ी दर्रों में गश्त के लिए आ सकता है कहां? दरअसल पिछले कुछ सालों से चीन की सेना पेंगोंग झील के किनारे सड़कें बना रही है। 1999 में जब पाकिस्तान से कारगिल की लड़ाई चल रही थी, उस समय चीन ने मौके का फायदा उठाते हुए भारत की सीमा में झील के किनारे पर 5 किलोमीटर लंबी सड़क बना ली थी। अब भारत की तरफ से भी सड़क निर्माण किया जा रहा है, जिससे चीन बौखलाया हुआ है। पेंगोंग झील के किनारे कुछ रास्ते ऐसे हैं जहां वाहनों की आवाजाही मुश्किल है। ऐसी जगह पर इन दो कुबड़ वाले ऊंटों के जरिए गश्त की जा सकती है।
ये ऊँटों की वो प्रजाति है जो कम तापमान और ठंडे रेगिस्तान वाले इलाकों में पाए जाते हैं। दो कूबड़ वाले ऊँट मंगोलिया के बाद भारत के सिर्फ लद्दाख इलाके में पाए जाते हैं। लेह में मौजूद डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड रिसर्च ने ऐसे ऊँट का अध्ययन करके पाया कि ये ऊँट ऐसे इलाकों के लिए जहाज से कम नहीं है और भारतीय सेना के लिए ये बड़े मददगार साबित हो सकते हैं। इन इलाकों में भारतीय सेना अभी तक सामान ढोने के लिए खच्चरों का इस्तेमाल करती आई है, लेकिन एक खच्चर मात्र 40 किलो वजन ही उठा पाता है। परिस्थितियों के हिसाब से अब सेना का सामान ढोने के लिए दो कूबड़ वाले ऊँटों को ही भारतीय सेना काम पर लगाएगी। दो कूबड़ वाले ये ऊँट मुश्किल हालात में न सिर्फ ज्यादा समय तक जिंदा रह पाते हैं बल्कि खच्चरों से 5 गुना ज्यादा वजन उठाने में भी सक्षम है। यही वजह है कि अब इन इलाकों में दो कूबड़ वाले ऊँटों का इस्तेमाल होगा, साथ ही साथ इस इलाके में ये ऊँट चाक चौबंद भी रह पाएंगे। DRDO की एक प्रयोगशाला पहले से ही लेह में बैक्टीरियन नस्ल के ऊँटों की भार वहन क्षमता पर शोध कर रही है। दरअसल DRDO भी ये जानने की कोशिश कर रही है कि इन ऊँटों को बेहद खराब मौसम के बीच कैसे सामान ले जाने का प्रशिक्षण दिया जाए। 18 साल में तेजी से बढ़ी बैक्टीरियन कैमल की आबादी। 2003 में इनकी संख्या भारत में मात्र 200 के आसपास थी, लेकिन अब ये 1400 से ज्यादा हो गए हैं। लद्दाखी बैक्टीरियन कैमल के अनुवांशिक अध्ययन से साबित होता है कि भारत के बैक्टीरियन कैमल का बढ़ना संतुलन में है, इसीलिए ये नई उप प्रजाति के रूप में लद्दाख और भारत के लिए अनूठा है। इसे लेकर लद्दाख सांसद जामयांग तेशरिंग नामग्याल से भी बातचीत चल रही है। अगर भारतीय सेना का ये पायलट प्रोजेक्ट सफल हो जाता है तो इस क्षेत्र में और 12,000 और 15,500 फीट की ऊंचाई के बीच दो कूबड़ वाले ऊँटों का उपयोग किया जा सकता है। बैक्टीरियन ऊँट की खासियतें। लद्दाख के बैक्टीरियन कैमल में नुब्रा घाटी के अर्थशास्त्र को बदलने की दमदार क्षमता है। भयंकर ठंड को आसानी से सहने और बर्फ पर तेजी से चलने वाले इन लद्दाखी कैमल के बालों से शॉल और स्वेटर अन्य कपड़े बनाए जा सकते हैं। इनकी कीमत पश्मीना की तरह होगी बल्कि उससे ज्यादा भी जा सकती है। इसके साथ ही बैक्टीरियन ऊँट बहुत अच्छे वॉकर और तेज धावक होते हैं जो 65 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ सकते हैं। उसके पास घंटों तक चलने की क्षमता है और प्रतिदिन लगभग 50 से 60 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली एक अच्छी गति वो बनाए रह सकते हैं। साथ ही 170 से 240 किलोग्राम के बीच भार ले जा सकते हैं जो सेना के काफी काम आ सकता है। ये एक ऐसा जानवर है जो खारा पानी भी पी सकता है और रस्सी, कपड़ा, कांटेदार भोजन तक पचा सकता है। पेंगोंग झील का पानी भी खारा है। ऐसे में बैक्टीरियन कैमल सेना के लिए बहुत उपयोगी हो जाता है।